बस मुझे जो हमारे तीन मॉन्स्टर्स है उसका डर है और किसी का डर नहीं है मुझे हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं फिर से आ चुका हूँ आपके साथ आज बहुत दिनों बाद मैं आज अपने मॉन्स्टर टैंक में एक फ़िश ऐड करने वाला हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी फ़िश है तो मेरा वीडियो में आप आगे बने रहिए और मैं आपको एक हिंट देने वाला हूँ कि वो कौन सी फिश है और वो एक चिपकने वाली मछली है बस मुझे इस बात का डर है कि हमारी जो बड़ी ऑस्कर से देखिए कितनी ज़्यादा एग्रेसिव ऑस्कर है वो उसे खा ना जाए बस मुझे इसी बात का डर है तो चलिए उसे ले आते हैं और होप करें कि हमारी जो फिशेस है दो बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ऑस्कर वो उसे खाए ना और हमारे पास एक और ख़तरनाक ऑस्कर फिश है जो कि है आर देख सकते हैं वो कितनी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग हो रही है और बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है और बाकी जो हमारे फ़िश है वो उतने एग्रेसिव नहीं है पर वो भी काफ़ी एग्रेसिव है अगर वो होना चाहेंगे तो क्योंकि मैं इसे प्रॉपर फीड देता हूँ और मेरा पानी का पीएच वग़ैरह सब वाटर पैरामीटर सब अच्छे हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं है और ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है बाकी जो जिनके नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वो यही तीनों फिशेज़ है तो चलिए हम ले आते हैं अपनी चिपकने वाली मछली और आपको दिखाते हैं वो मछली कौन सी है और क्या वो हमारे टैंक में रह पाएगी या नहीं तो चलिए ले आते हैं अपनी चिपकने वाली मछली तो हमने ले आया है अपना चिपकने वाली मछली वो इस बैग के अंदर है आप देख सकते हैं ये बैग है हमारा तो चलिए इसे निकालते हैं कौन सी चिपकने वाली मछली है तो आप देख सकते हैं ये है वो चिपकने वाली मछली आपने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये कौन सी मछली है तो चलिए आपको मैं टैंक में दिखाता हूँ इसको डाल के कि ये उसके साथ रह पाएगी कि नहीं और मैंने थोड़ा बिग साइज़ भी लाया है ताकि मेरी ऑस्कर्स उसे कुछ ना करे क्योंकि ये उस फिश शॉप में सबसे बिग साइज़ की थी तो मैंने इसलिए इसे लाया तो चलिए इसे अंदर डालते हैं और मैं इसका प्राइस बताने वाला हूँ मैं आगे तो चलिए पहले इसे डाल लेते हैं और फिर आपको इसे अच्छे से दिखाते हैं तो सबसे पहले हम इसे एक्लेमेटाइज़ करेंगे डालने से सबसे पहले आपको यही काम करना चाहिए तो हम इसे एक्लेमेटाइज़ करेंगे उससे पहले डालने से पहले तो हमने इसे एक्लेमेटाइज़ करने रख दिया है तो चलिए इसे फिफ्टीन मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही और फिर आपको आगे दिखाते हैं फिफ्टीन मिनट हो चुके हैं मैंने एक्वेटाइज़ कर लिया है तो अब ये हम जो हमारे पास बड़ा नेट है हम इससे निकालने वाले हैं हमारी फ़िश को तो चलिए निकाल के डालते हैं और होप करते हैं हमारी जो फ़िशज़ है उसे ना खाएँ देख सकते मैंने अपनी फ़िश को निकाल लिया है ये है वो चिपकने वाली मछली तो हम इसे जल्दी से डाल देते हैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रखेंगे तो हमने देख सकते हैं ये फिश को यहाँ डाल दिया है और हम इसे धीरे से रिलीज़ कर देंगे और आप देखते हैं क्या होता है देख सकते हैं ये थोड़ी सी ये है हमारी चिपकने वाली फिश अब बस इसे देखना है कि ये यहाँ अच्छे से रह पाती है कि नहीं देख। और देखते हैं आप देख सकते हैं इसे पैरोट फिश सैवरम फिश और हमारी जो ये हमें अफ्रीकन सिकलेट है ये भी कुछ नहीं कर पा रही है तो ये अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से है बस मुझे जो हमारे तीन मॉन्स्टर्स है उसका डर है और किसी का डर नहीं है मुझे तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है और मैं इस फिश को लाने का मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा मन था क्योंकि मेरा जो टैंक है बहुत बड़ा है और जो इसके ग्लासेस में बहुत सारे जो एक मैच्योर टैग में एल जमती है वो जमने लग जाती है तो उसे मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता था तो इस वजह से मैंने ये फ़िश लाई है क्योंकि काफ़ी सारों ने ये फ़िश ज़्यादा रखना पसंद नहीं करते हैं पता नहीं क्यों इसे साइड फ़िश प्रीफर करते हैं सब लोग तो मैं इसे एक फिश को इसलिए लाया था क्योंकि मैं इस अपने टैंक को क्लीन रख सकूँ मेरे ग्लासेस क्लीन रख सकूँ क्योंकि हम इसे एक क्लीनर मछली भी कहते हैं देख सकते हैं इसे कोई काट तो नहीं रहा है अभी तक सब इसे देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है तो इसे क्रोकोडाइल फ़िश भी कहते हैं और प्लेको फिश भी कहते हैं आप देख सकते हैं जो यहाँ वाइट वाइट जम चुका है वो फिश खाना वो फ़िश ये खाती है और उसे क्लीन भी कर लेती है तो देखते हैं कैसे वर्क करती है देखिए किस तरीके से इसे सब परेशान कर रहे हैं अभी फिलहाल तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है जब हमारी ऑस्कर फिश आने वाली सामने सकते आर टी सी इसके पास आ चुकी है और आर टी सी से बिल्कुल भी कुछ कर नहीं रही है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है तो चलिए मुझे एक फिश से तो टेंशन हट ही चुका है अब मुझे देखना है कि जो हमारी बड़ी ऑस्कर है वाइट ऑस्कर वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हमारे टैंक में वो हमारे ब्लैक ऑस्कर से भी ज़्यादा डेंजरस है तो अब उसे देखते हैं कि वो इसे खाती है कि क्या करती है मैं होप करता हूँ कि काश वो इसे कुछ मत करे और आप देख सकते हैं ये जो बड़ी ऑस्कर इसके पास आ चुकी है और वो भी उसे नहीं खा रही है सो so, फाइनली हमारा जो क्रोकोडाइल फ़िश और प्लेको फिश है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब और वह हमारे टैंक में बहुत अच्छी तरीके से घूमेगी और मैं आपको इसका प्राइस बताने वाला था ये मुझे नाइन्टी रुपीज़ की पड़ी आजकल लॉकडाउन के बाद सारी फ़िश का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आप शॉपकीपर को ऐसे दोष ना दें कि वो इतना महंगा बेच रहा है क्योंकि सारी फ़िश का प्राइस बढ़ चुका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है लॉकडाउन के बाद तो आप देख सकते हैं ये हमारी प्लेको फिश है और अभी थोड़ा सेटल होने में से टाइम लग रहा है तो ये एक दो घंटे बाद बहुत अच्छी तरीके से घूमना चालू कर देगी तो यही थी आज की वीडियो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे